चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। आज का दिन चंद्रयान 3 और इसरो के लिए बेहद अहम है। इसरो आज दोपहर में चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करेगा। ये प्रक्रिया चांद से करीब 100 किलोमीटर दूर आसमान में होगी। चंद्रयान 3 से अलग होने के बाद लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा। देखिए छह तस्वीरें आपको चंद्रयान की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देंगी। आज का दिन क्यों खास है, किस लिए चंद्रयान 3 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे भारत के लिए कितनी गौरव की बात है, ये भी आप समझ पाएंगे। क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला अगर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाती है तो भारत पहला देश बन जाएगा। चंदा मामा अब दूर नहीं, चांद के बेहद करीब चंद्रयान 3। इसरो की कई सालों की मेहनत और हिंदुस्तान का चांद को छूने का सपना अब साकार होने जा रहा है। चांद पर पहुंचने की दिशा में चंद्रयान 3 के लिए आज एक अहम पड़ाव है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग को और भी पुख्ता करेगा। दरअसल इसरो आज दोपहर करीब 2:30 बजे चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करेगा। उस वक्त चंद्रयान 3 चांद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर गोलाकार कक्षा में मौजूद होगा, यानी कि चांद से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। चंद्रयान 3 से अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल अपने आगे के सफर पर निकल पड़ेगा, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर लैंडर से मिलने वाली जानकारी इसरो तक पहुंचाएगा। ऐसे में चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद अहम है और उम्मीद भी यही है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग होने के बाद चांद पर लैंडिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसके बाद 18 अगस्त की दोपहर करीब 4 बजे लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी कि लैंडर की कक्षा की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी, और इसी तरह फिर 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, और जब लैंडर चंद्रमा से महज 30 किलोमीटर दूर होगा तब उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त की शाम करीब 5:47 पर हिंदुस्तान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना पहला कदम रख देगा। इसके बाद रोवर प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात पहाड़ों पर आफत की बारिश की कर ली जाए, जहां सेना के जवान देवदूत बनकर लोगों की मदद के लिए लगातार जुटे हुए हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का सितम लगातार जारी है, कई जिले इसकी जद में हैं। इन मुश्किल हालात में भी लोगों की मदद के लिए सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक कुल 766 लोगों का रेस्क्यू ऑलरेडी किया जा चुका है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी कई जगहों से लोगों को बचाने का सिलसिला लगातार जारी है। वायुसेना हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इस बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा भी किया। राजशिविरों में रह रहे लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की और सुनिश्चित किया कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और कोशिश ये की जाए कि जो एरिया ज्यादा से ज्यादा जलमग्न होता नजर आ रहा है उसमें रह रहे निवासी, उनका आशियाना जो है कम से कम उसको तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन इंसानों को सुरक्षित बचाने का जो काम है उसमें हम अपना योगदान दे सकें। प्रशासन मुस्तैद है, सरकार मुस्तैद है, और तमाम जवान जो हैं देवदूत बनकर युद्ध स्तर पर एक एक जिंदगी को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हुए। सैलाब संकट से जूझ रहे देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जिंदगी बचाने की मुहिम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है, जिसकी गवाही राज्य के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बिना रुके लोगों को एयरलिफ्ट करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ सेना के जवान भी मुसीबत की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं। कोशिश यही है
कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। हिमाचल की प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को निकालने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। चूंकि पोंग डैम से पानी छोड़ा गया था और उस डैम में सैकड़ों की तादाद में लोग फंस गए थे, जिनको निकालने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर लगाया है। मुख्यमंत्री हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर पहुंचे हुए हैं और जिन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है उनसे भी वो मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ी तादाद में लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सेना, NDRF, SDRF और पुलिस के जवान भी राहत और बचाव कार्य में जगह जगह लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बीते 3 से 4 दिनों में करीब 2,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जहां तक लोगों को रिलोकेट करने की बात आती है तो अभी तक पिछले 3-4 दिनों में हमने लगभग 2,500 लोगों को सेफर प्लेस पे रिलोकेट किया है। पिछले 2 दिनों से कांगड़ा में जो है NDRF की हमारी बटालियन काम कर रही हैं और हमारी NDRF की बोट के माध्यम से और एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से हमने लगभग 2,000 लोगों को सेफ प्लेसों पर जो है उनको रिलोकेट किया है। उसी तरह से मंडी जिले में भी किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बचाए गए इन लोगों को सरकार की ओर से चलाए जा रहे राहत शिविरों में रखा गया है, जहां उनके खाने पीने और दवाई का इंतजाम किया गया है। इन राहत शिविरों में लोगों का हाल लेने के लिए खुद राज्य के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे। हिमाचल की इस प्राकृतिक आपदा में हजारों लोग ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं, जिनको या तो रास्तों की वजह से या पानी की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से अपने घर छोड़ने पड़े हैं। और उन लोगों के लिए आप देखिए यहाँ पर राहत शिविर कैंप लगाया गया है। सुखू जी, कितने लोग ऐसे हैं आज हिमाचल में जिनको राहत शिविर कैंपों में खाना खाने की जरूरत पड़ रही है? तकरीबन 1100 के करीब लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से सब जगह से खाना मुहैया कराया जा रहा है। और इस समय आपदा है, सब लोग खुलकर दान भी दे रहे हैं, चाहे राधा स्वामी सत्संग जी ब्यास जी वाले हैं चाहे कोई और है। तो राहत शिविर में खाना खाने का मकसद ये है कि हम आम सब लोग एक हैं, आम परिवार के लोग हैं और सब लोग मिलजुल कर इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। राज्य के मंडी, शिमला और कांगड़ा जिले में हालात बेहद खराब हैं, लिहाजा तमाम सरकारी एजेंसियों ने इन जिलों में लोगों की मदद के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके अलावा कुछ सामाजिक संगठन भी मुसीबत की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। सतेंद्र चौहान, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल जल प्रलय से जूझ रहा है। भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। आसमानी आफत से मचे हाहाकार की ताजा तस्वीर कांगड़ा से आई है, जहां एक नाला पार करते वक्त कार सवार बाढ़ के पानी में फंस गया। बाढ़ की वजह से फतेहपुर इंदौरा रूट पर सड़कें पानी में डूब गई। नाला ओवरफ्लो होने से पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। तेज बहाव के बीच से गुजरना कार सवार को भारी पड़ गया। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि कार बहने लगी। कार सवार युवक ने जान बचाने के लिए कार पानी में ही उसे छोड़नी पड़ी। बाद में कार को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। देखिए, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। उन सबके बावजूद भी एक कार सवार पानी के बीच से होकर गुजरने की कोशिश करता है और अपनी जान जोखिम में डालता है। जब पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज पाता है तो मुश्किल से अपनी जान बचाता है और बाद में ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला जाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली में नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान के पार कर गया। दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विभाग ने यमुना के किनारे समेत निचले हिस्सों में दोबारा बाढ़ आने की चेतावनी जारी कर दी है, लेकिन बाढ़ का असर पहले की तरह बहुत गंभीर नहीं होगा इस बार। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड भारी बारिश का अलर्ट
इसमें जारी कर दिया है, लिहाजा यमुना के जलस्तर और बढ़ोतरी होने की इसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, रात बचाव का काम मुस्तैदी से जारी है और पिछली आपदा को देखते हुए इस बार हमने सबब लिया है और पिछली बार जैसी हालात हमको देखने को ना मिले दिल्ली की सड़कों पर, इसकी भी तैयारियां तमाम की जा रही हैं। तमाम ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिससे नियंत्रण किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा रिहायशी इलाके जलमग्न ना हो सके इसकी कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए प्रशासन और सरकार अलर्ट मोड में है, तमाम ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे हमको दोबारा प्रकृति का वो रौद्र रूप, वो तांडव देखने को ना मिल सके। तो वहीं दूसरी तरफ सरयू नदी की बात करें तो सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें यूपी के बाराबंकी की हैं जहां सरयू का पानी लोगों के घरों में घुस गया। इलाके के सभी घर घुटने भर पानी में डूब चुके हैं जिसके बाद जिला प्रशासन ने वहां फंसे लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया है। देखिए तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश और बाढ़ का रौद्र रूप कितना है, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। इन सब के बीच में नाव के जरिए लोग अपना सामान के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। बात इंडियन नेवी की कर ली जाए जिसकी ताकत में लगातार इजाफा किया जा रहा है। बीते कुछ सालों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नौसेना के बेड़े में कई हाईटेक हथियार और युद्धपोत शामिल हुए हैं और अब इसी कड़ी में युद्धपोत विंध्याकिरी को लॉन्च कर दिया गया है। तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता में इस युद्धपोत को लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको बता दें इसका निर्माण मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE ने किया है और ये प्रोजेक्ट 17A के तहत छठा फ्रिगेट है। बिल्कुल, विंध्यागिरी युद्धपोत का नाम कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। ये युद्धपोत बेहतर स्टील्थ फीचर्स, हाईटेक हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। वहीं देखिए खबर ये है कि इस पर ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती हो सकती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट 17A के तहत नौसेना के लिए 7 युद्धपोत बनने हैं। इनमें 5 लॉन्च हो चुके हैं जो जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे। इन 7 युद्धपोतों में मझगांव डॉक का शिप बिल्डर्स लिमिटेड को 4 और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को 3 जहाजों का निर्माण सौंपा गया है। खास बात यह है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बने इस युद्धपोतों के उपकरणों और प्रणालियों के लिए 75% ऑर्डर स्वदेशी कंपनियों ने पूरे किए। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के युद्धपोत को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने स्वदेश में ही डिजाइन किया है। वहीं केंद्र सरकार ने नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। ये शिप युद्धपोतों को ईंधन, भोजन और गोला बारूद मुहैया कराने में मदद करेंगे। ठीक है गुंजन, देखिए खबर ये भी है कि इन 5 फ्लीट सपोर्ट शिप का निर्माण जो है विशाखापट्टनम में मौजूद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में किया जाएगा। देश में इन पोतों के निर्माण से भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सनी देओल की फिल्म गदर 2 को लेकर अलग ही क्रेज है। कांग्रेस नेताओं में भी फिल्म को लेकर अलग दीवानगी देखने को मिल रही है। ट्रैक्टर पर सवार होकर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता गदर 2 देखने के लिए पहुंचे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को फिल्म काफी पसंद भी आई। गदर पिक्चर जब हम लोग आज से 22 साल पहले देखे थे उसके बाद आज फिर गदर 2 जब मैं देखने आया तो मैं अपने ट्रैक्टर से आया और हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हुए आया और पिक्चर बहुत अच्छी है। इसमें नफरत की राजनीति जो पाकिस्तान के लोग करते हैं उसको दिखाया गया है। G20 फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। दिल्ली में 2 दिसंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में अलग अलग देशों की 16 अवार्ड विनिंग फिल्में दिखाई जाएंगी। G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत सत्यजीत रे की मशहूर फिल्म पाथेर पंचाली के साथ की गई। देखिए G20 में फिल्मों का मेला, सोलह अवार्ड विनिंग फिल्मों की स्क्रीनिंग,
G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। 16 अगस्त से शुरू हुआ ये फेस्टिवल 2 सितंबर तक चलेगा। इसमें दुनिया भर के G20 सम्मेलन में शामिल देशों के साथ कई और देश भी हिस्सा ले रहे हैं। G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली फिल्म के साथ की गई। दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर्स में पहले ही दिन शो फुल रहा। G20 फिल्म महोत्सव का लक्ष्य सिनेमा के क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच मौजूद जीवंत और सहयोगात्मक साझेदारी को और मजबूत बनाना है। हमारा जो सॉफ्ट पावर है हिंदुस्तान का, वो सिनेमा के थ्रू हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इंडिया का जो सिनेमा है वो ना केवल बॉलीवुड का सिनेमा है, बट वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, सारे लैंग्वेजेस, वो मलयालम, ये सारे लैंग्वेजेस का सिनेमा है। तो हम तो फिल्म में लार्जेस्ट फिल्म मेकर इन द वर्ल्ड हैं, और इसलिए ये दिखाता है। आज का पैक्ड हॉल देखिए आप यहाँ पर, ये इंडिया के सॉफ्ट पावर को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। दरअसल G20 सम्मेलन कई सारे डायमेंशनल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें से एक है फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म महोत्सव में 16 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वी आर स्टिल हेयर, ब्राजील की एना एंटाइटल्ड, जापान की एरिस्टोक्रेट्स, मैक्सिको की मैच किड्स हार्ट और दक्षिण कोरिया की डिसीजन टू लीव जैसी फिल्में शामिल हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा, गुड न्यूज टुडे। जैसे जैसे रामलला का मंदिर अपने निर्माण के आखिरी चरण में पहुंच रहा है, भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। 2024 में मकर संक्रांति के बाद रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन भक्त अभी से ही तैयारियों में जुटे हैं। रामलला के लिए वस्त्रों की सिलाई भी शुरू हो गई है। रामलला के टेलर के पास भक्तों के ढेरों ऑर्डर अभी से पहुंच गए हैं। सिलाई करने वाले लोग पूरे मन से कपड़ों की सिलाई में लग गए हैं। श्री राम भक्त चाहते हैं कि इस खास अवसर पर वो भी रामलला की सेवा कर सकें। रामलला को नया वस्त्र धारण कराया जाए, इस उद्देश्य से रामलला के भक्तों ने कपड़ा दिया है, सिलाई हो रही है और वह पंचमी के दिन नया कपड़ा धारण करेंगे। देखिए, कहते हैं कि आस्था की बुनियाद जो है जितनी ज्यादा गहरी होती है, मंदिरों की दीवारें उतनी ज्यादा भव्य होती हैं। दुबई के दिल में आस्था का एक ऐसा ही महातीर्थ जल्द ही आकर लेने वाला है। अबू धाबी की धरती पर स्वामी नारायण मंदिर की भव्यता हर दिन भव्य आकार ले रही है। मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से आगे चल रहा है। बहुत जल्द मंदिर का निर्माण जो है पूरा कर लिया जाएगा और अगले साल 2024 के फरवरी में आम लोगों के लिए इसको खोल दिया जाएगा। बनने के बाद दुबई की धरती पर आस्था का ये महातीर्थ होगा। चलिए आपको दिखाते हैं। ये भव्य तस्वीरें अबू धाबी में बन रहे स्वामी नारायण मंदिर की है, जहां इन दिनों तेजी से मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। दूर दूर तक फैले इस रेगिस्तान के बीच मंदिर का अद्भुत नजारा देखते ही बन रहा है। इस मंदिर को बनाने में कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत मंदिर की इन दीवारों पर नजर भी आ रही है। सबसे खास बात है कि इस मंदिर में त्रिवेणी संगम भी बनाया जाएगा, जिसके लिए भारत से गंगा, यमुना और सरस्वती का पानी त्रिवेणी संगम में डाला जाएगा। ऑब्वियसली आई मीन इफ यू लुक एट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, द ग्लोरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, सम ऑफ आवर बेस्ट एंड बिगेस्ट टेंपल्स आर आउटसाइड इंडिया। दुनिया भर में भारत की संस्कृति और सभ्यता का विस्तार आप देख सकते हैं। भारत के बाहर अबू धाबी में बन रहा स्वामी नारायण मंदिर अब तक का सबसे बड़ा मंदिर है। आपको बता दें कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर की नींव रखी थी और अब तक मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 60% पूरा हो चुका है। स्वामी नारायण मंदिर कई मायनों में बेहद खास है।
मंदिर की नींव में बांस का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। अबुधाबी में बन रहा स्वामी नारायण मंदिर भारत और दुबई के बीच रिश्तों की एक नई बुनियाद भी है। उम्मीद है कि यह मंदिर फरवरी 2024 तक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक है, ऐसे में देश भर में भगवान गणेश की मूर्तियों को बनाने का काम इन दिनों जोर शोर से जारी है। खास करके इको फ्रेंडली मूर्तियों के निर्माण पर इस बार विशेष जोर दिया जा रहा है। कर्नाटक के हुबली में भी ऐसी ही मूर्तियां बनाई जा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये गणेश मूर्तियां कागज से बनी है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि मूर्ति उठाने में बहुत भारी ना हो और टूटे भी नहीं। मूर्तिकार सुमन हावेरी ने बताया कि इन मूर्तियों को बनाने के लिए कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 48 घंटे तक भिगोया जाता है। इसके बाद इसमें काफी मात्रा में मिट्टी डाली जाती है, जिससे इन मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, जो देखने में सुंदर होती हैं और इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्या है वो, अब हमारा तुम्हारा एक ही रहता नहीं, अभी हमारा कैसा क्या काम रहा वो सब कुछ करते हैं। हमें गणपति बनाने का अपना ये है ना, इस बार हम बना रहे 4 साल हुआ अभी मैं बनाने लग गई, इधर ही है, मैं इधर ही बनाती, अंकल रहते हैं तब से भी बनाती। बात कुछ और खबरों की हो जाए, आपको दिखाते हैं सनी देओल का एक वीडियो जिसमें वो गदर 2 की कामयाबी का जश्न मनाते हुए नजर आ जाएंगे। आपको ये देखिए, सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। इस फिल्म ने 5 दिनों के भीतर ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म जल्द ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। गदर 2 वीकडेज में भी शानदार कमाई कर रही है और फिल्म का 6ठे दिन भी कलेक्शन लगातार निकलकर सामने आ रहा है, जो शानदार है। वीडियो देखिए और समझिए इनकी एक्साइटमेंट और खुशी। वी हैव क्रॉस 200 करोड़।